देश में लॉकडाउन का आज 5वां दिन है, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो गरीब लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं उनको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के बाईपास में। यह जो सड़क है यह सीधा भागलपुर बेगूसराय की तरफ जाती है और हमारे साथ दो पूरा परिवार है जो सड़क पर पैदल ही जा रहे थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ और सभी को लेकर यह पैदल ही पूरा जो परिवार है यह निकल चुका है और इतनी कड़ी धूप है उसके बावजूद सभी लोग जो हैं वह पैदल जा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। ये बताइए कहाँ जा रही हैं आप? भागलपुर। भागलपुर करीब यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? पैसा उसे कुछ नहीं है जी, मम्मी घर में भी खाना पीना कुछ नहीं था तो क्या खाएंगे, क्या बाल बच्चा को पोसेंगे, क्या देख के पोसेंगे? सरकार भी हम सबको अभी कुछ नहीं दिए हैं। इतना छोटा बच्चा है कैसे लेके जाएंगे भागलपुर 300 किलोमीटर दूर? पैदल जा पाएंगे उतनी दूर? पैदल किसी तरह चले जाएंगे, कहीं आराम करेंगे, कहीं फिर निकलेंगे, ऐसे जाना पड़ेगा हमको। तो अभी क्या खाने पीने का पैसा है आप लोगों? नहीं सर, कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो सरकारी कैंप तो है तो वहाँ क्यों नहीं रह जाते हैं? नहीं सर, हम लोग घर जाएंगे, घर में भी बाल बच्चे हैं तो मतलब जो है हम लोग यहाँ फंसे हैं तो जाना ही पड़ेगा ना, ऐसे जैसे होगा वैसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो अपील कर रही है ना कि आप लोग जहाँ हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें। तो बाहर कैसे नहीं निकलेंगे, कुछ रहेगा तभी घर में रहेंगे ना, तो पैसे रहेगा तो घर में रहेंगे, नहीं रहेगा तो जाना पड़ेगा बाहर, घर पे जाना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। तो जहाँ आप काम करते थे वहाँ से पैसा नहीं मिला? तो मिला तो ख़त्म हो गया ना, कितना दिन बंद हो गया, 5-6 दिन बंद हो चुका है। तो पैसे मिलेगा तो काम कराएगा तो तभी पैसे होगा ना, तो पैसे काम नहीं कराएगा तो पैसे कहाँ से आएगा? तो घर वाला मना कर दिया काम करने से, कैसे हो? ये बताइए 300 किलोमीटर दूर है, आप कह रही हैं पैसा भी नहीं है, 6-7 लोगों का परिवार है, कैसे जाएंगे उतना दूर? चल जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ रूम में बैठ के क्या खाता, वहाँ जाएंगे तो पानी उनी रास्तों में पीते हुए चले, भूखे मरेंगे दोनों बच्चे, मेरा भी भूखे मर रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से तो है व्यवस्था, रहने का है, खाने का है। हम लोग को यहाँ रहेंगे, फिर मुल्क में हम लोग को बाल बच्चा है, वहाँ हम लोग को देखना भी पड़ेगा ना, यहाँ से हम लोग पैदल कैसे भी चले जाएंगे करके। तो आप देख सकते हैं यह 7-8 लोगों का पूरा परिवार है और यह निकल चुके हैं ही, ईंट भट्टा जो था वहाँ ये लोग काम करते थे और वहाँ पर चूँकि जो मालिक के तरफ से पैसा मिला था वह 4-5 दिनों में ख़त्म हो गया और अब यह अपने घर के तरफ यानी 300 किलोमीटर दूर भागलपुर के लिए निकल चुके हैं, पैदल निकल चुके हैं, इनके पास पैसा नहीं है और यही मजबूरी है, यही लाचारी है इन लोगों का। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।